IAS, GATE, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाय गाइस, स्टील की यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कनेक्शंस। इसके रिलेटेड बेसिक जो कंसेप्ट वगैरह थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एंड स्टील में जो भी यूज़ आएंगे वो सारे कुछ प्रीवियस दो लेक्चर हो गए स्टील के ऊपर, उसके ऊपर कंप्लीट कर लिए। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर से कनेक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी यूज़ आएगा वो इसी में आएगा। कनेक्शंस हम ज़्यादा स्टडी क्यों करते हैं कनेक्शन की, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर आप स्टील की कहीं पर भी कंस्ट्रक्ट करोगे उसमें आपका जो मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ हमेशा जो भी लोड आएगा उसके ऊपर उससे ज़्यादा होती है। जब भी हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाता है तो जो भी वो फेलियर होगा स्ट्रक्चर में वो सिर्फ किसके कारण होगा, कनेक्शन के कारण। या तो आपने जो बोल्टिंग की है वो अच्छे तरीके से नहीं की है, ओके, या फिर आपने जो कनेक्शंस प्रोवाइड करे हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छे तरीके अच्छी नहीं है, स्ट्रेंथ उनकी कम रह गई। ओके, जो भी आपने अरेंजमेंट अप्लाई किया है कनेक्शंस के लिए उस स्ट्रक्चर के ऊपर वो आपका अरेंजमेंट गलत हो सकता है। तो हमेशा जो भी स्ट्रक्चर आपका फेल होगा वो किसके कारण होगा, हमेशा कनेक्शंस के कारण होगा, बिकॉज योर मटेरियल स्ट्रेंथ ऑलवेज हायर देन लोड। ओके, अभी जैसे जैसे आगे चलेंगे सब कुछ पता लग जाएगा। ओके, तो कनेक्शन में हम ज़्यादातर स्टडी किसकी करेंगे, कनेक्शंस की करेंगे। ओके, कि आपको कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अगर आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स का पता लग गया तो फिर उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। ओके, बहुत सारे अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट है, वो सारे कुछ धीरे धीरे आगे चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके, इस शेप में आपका अरेंजमेंट होगा या रेक्टेंगुलर होगा, ट्रेंगुलर होगा, ओके, सर्कुलर होगा, किसी भी तरीके से आपका जो कनेक्शन है उनको अरेंज कर सकते हो आप। ओके, फिर उनकी स्ट्रेंथ की बात आती है कि कितनी स्ट्रेंथ का हम उनका प्रोवाइड करें। ओके, उनकी शेयर स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, परमिसेबल स्ट्रेंथ उनकी कितनी होनी चाहिए, ये सारा कुछ आपको धीरे धीरे जब आगे चलेंगे तो पता लग जाएगा। ओके, आपने प्रीवियस चैप्टर्स भी पढ़े हुए हैं, सारे कुछ स्टडी करते हैं, जो भी क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ में, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो टॉपिक के ऊपर बाकी थ्योरी वगैरह हर चीज़ आपको एक एक करके पूरी चीज़ें समझनी। ओके, एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, रटना किसी चीज़ को नहीं है, समझ के और फिर रटना है हर एक चीज़ को। ओके, ये नॉर्मल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बातें हो गई, अब स्टडी करते हैं। देखो कनेक्शंस, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन इज मच हायर देन, देखो ये लिख रखा है फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन सेक्शन। ओके, जो भी आपका सेक्शन होगा उसकी स्ट्रेंथ ऑलवेज मच हायर देन द अप्लाइड लोड। ओके, हमेशा आपके जो अप्लाइड लोड होगा उससे स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होगी। बट इफ़ एनी स्ट्रक्चर कोलेप्स, बट अगर आपका कोई स्ट्रक्चर कोलेप्स होता है इट विल बी ड्यू टू पुअर कनेक्शंस ओनली। ओके, आपने देखे भी होंगे बहुत सारे टावर्स वगैरह लगे हुए रहते हैं स्टील के, ओके, आयरन के, स्टील किसी के भी, तो जो भी टावर्स रहेंगे सपोज मान लो ये टावर है आपका, ओके, तो यहाँ पर बोल्टिंग होगी, ओके, देन उसके बाद में नीचे का सेक्शन आएगा फिर बोल्टिंग होगी। तो अगर आपका ये टावर, ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, ये सेक्शन है, ये अगर फेल होगा तो आपका यहाँ से तो कभी फेल हुआ नहीं, आपने जब भी कभी भी देखा होगा, ओके, ये सेक्शन कभी फेल नहीं हुआ। फेल कहाँ से होगा, या तो इस बोल्टिंग की जगह से होगा या फिर इस बोल्टिंग की जगह से होगा, क्योंकि आपकी जो सेक्शन होता है उसकी स्ट्रेंथ हमेशा मच हाइयर होती है किससे, लोड से। ओके, बट जो कनेक्शंस होते हैं वो अच्छी तरीके से प्रॉपर कनेक्शनिंग नहीं होगी तो वहाँ से हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, हमेशा जो भी स्ट्रक्चर फेल होगा वो कनेक्शंस के कारण होता है ओनली। इसलिए कनेक्शंस की स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, कनेक्शंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ओके, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट है डायनामिक कनेक्शन एंड दूसरा है स्टैटिक कनेक्शन। डायनामिक कनेक्शन मतलब वहाँ पर डायनामिक मतलब कभी लोड आ रहा है आपका, कभी नहीं आ रहा है, कभी ज़्यादा आ गया कभी कम आ गया, मतलब डायनामिक लोडिंग है वहाँ पर। ओके, तो डायनामिक लोडिंग आ रही है, अगर कहीं भी कहीं किसी भी जगह पर डायनामिक लोडिंग आ रही है तो आपको डायनामिक कनेक्शंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और अगर वहाँ पर फिक्स टाइप की लोडिंग है, फिक्स रहेगी हमेशा, तो वहाँ पर स्टैटिक कनेक्शन आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। देखो एक एक करके, अब डायनामिक लोडिंग कंडीशन जनरेट अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। ओके, देखो लिख रखा है डायनामिक जो लोडिंग रहेगी वो आपकी अल्टरनेटिंग स्ट्रेस जनरेट करेगी। अल्टरनेटिंग स्ट्रेस मतलब अल्टरनेटिंग वहाँ पर लोड आ रहे होंगे, कभी लोड ज़्यादा कभी कम, ओके, कभी बिल्कुल नहीं आ रहा होगा तो कभी बहुत ज़्यादा आ गया होगा। तो अगर इस तरीके से आपकी लोडिंग आएंगे तो वहाँ पर स्ट्रेस भी आपका चेंज होता रहेगा। ओके, अल्टरनेटिव स्ट्रेस रहेगा। ओके, एंड वेल्डेड मटेरियल इट्सेल्फ इज़ अ ब्रिटल मटेरियल। और अगर आपने कहीं पर वेल्डिंग कर दी है, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा जब आपने इंजीनियरिंग करी थी, ओके, आप किसी भी चीज़ को वेल्ड करोगे तो आपने वहाँ पर वेल्ड किया तो वो फटाफट से सडन कूलिंग होकर के वहाँ पर
ब्रिटल कंडीशन में आ जाती है, ओके, ब्रिटल मटेरियल की जैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पर अगर आपकी डायनामिक लोडिंग आएगी तो आपको ये तो फेल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डक्टिलिटी बिल्कुल नहीं है, ओके, सडन कूलिंग हो जाती है, इट कैन नॉट रजिस्ट एनी डायनामिक लोडिंग कनेक्शंस, ओके। तो ये आपकी कभी भी डायनामिक लोडिंग कनेक्शंस को रजिस्टर नहीं कर सकता, ओके। यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग लोडिंग आएंगी, वहीं पर आप हम क्या करते हैं, वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। वेल्डिंग हमेशा स्टैटिक लोडिंग के लिए प्रोवाइड करेंगे, डायनामिक लोडिंग के लिए कभी भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डायनामिक लोडिंग के लिए आप वेल्डिंग प्रोवाइड कर दोगे तो वहाँ से आपका जो वेल्डिंग है वो कभी भी फेल हो सकती है, ओके, क्योंकि वहाँ पर अल्टरनेटिंग स्ट्रेस आता रहेगा। अब देखो बोल्ट कहाँ प्रोवाइड करोगे, रिवेट कहाँ पर प्रोवाइड करोगे। बोल्ट आप जानते हो क्या होता है, वेल्डिंग जानते हो क्या होता है, रिवेट नहीं जानते हो, रिवेट कनेक्शन क्या होता है, ओके, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। रिवेट कनेक्शन इस तरीके से होता है, देखो थोड़ा समझोगे, इस तरीके से आपका बोल्ट के जैसे रहता है वो, इस तरीके से, ओके, यहाँ से थोड़ा मोटा रहेगा और यहाँ से थोड़ा पतला रहेगा, इस तरीके से, ओके। हम ये इसको किसी भी कनेक्शन में देखे, जैसे मान लो ये आपकी प्लेट है, इसको इस कनेक्शन में देखे, यहाँ पर होल रहेगा आपका, इसमें देखे यहाँ से हैमर से इसको ठोकते हैं, तो हैमर से इसको दबाओगे, ओके, पुश करोगे हैमरिंग करके, तो यहाँ का जो ये मटेरियल है ये भी यहाँ से फेल करके इस तरीके से फिट हो जाएगा, ओके। जैसे यहाँ से फिट है ऐसे ही यहाँ से फिट हो जाएगा, ओके। जैसे आपने फैन में देखा होगा, जो हमारे रूफिंग फैन है, रूफ फैन है, उसमें किस तरीके से होता है, टॉप से अगर देखो तो ये बीच का पार्ट होता है, ओके, यहाँ से जा करके ये इस तरीके से पंखुड़ी लगी होती है, ओके, ये लीफ है पंखे की, ओके। थोड़ा समझना, ओके, बोरिंग थोड़ी लग रहा है, बस एक बार थोड़ी चीज़ समझ आ जाए, उसके बाद में तो फिर आप खुद भी कर सकते हो यार, ओके। इस तरीके से लीफ लगी रहती है, ओके। तो आपने हमेशा देखा होगा, थोड़ा मैं अगर समझाऊँ इसको, ओके, ध्यान से देखना थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपके हमेशा बोल्ट लगे हुए रहते हैं, एक बोल्ट यहाँ, एक बोल्ट यहाँ, ओके। हाँ मैं तीन लीफ बनाया हूँ, कभी कभी चार लीफ का, चार लीफ के फैन भी होते हैं किसी भी तरीके के, लेकिन जो कनेक्शन रहेंगे, जो अरेंजमेंट रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, ओके। इस तरीके से बोल्ट प्रोवाइड रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, देखो आपकी यहाँ पर रिवेट लगी हुई रहती है, अगर आपको पता नहीं तो आप देखो आपके जो फैन लगा हुआ है आपके, ओके, यहाँ पर इस तरीके से रिवेट लगी हुई रहती है यहाँ पर, ओके, इस तरीके से रिवेट लगी रहती है। तो यहाँ पर ये जो लगी हुई है ये तो रिवेट है, ओके, ये तो रिवेट है, ये यहाँ पर ये लगे हुए हैं, ये बोल्ट है, ओके। अब पता लगे रिवेट क्या होती है, बोल्ट क्या होता है। अब देखो ये चीज़ अभी यूज़ आएगी वापस से, अभी थोड़ा इसको ध्यान रखना, ओके। अभी ये तीन पॉइंट्स अगर मैं इनमें बताऊंगा, तीन पॉइंट्स इनमें इनको इनका यूज़ करूंगा, तो ध्यान रखना आप थोड़ा। देखो बोल्ट बोल्ट एंड रिवेटेड, बोल्टेड एंड रिवेटेड कनेक्शंस आर प्रोवाइड फॉर द डायनेमिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग कंडीशंस, ओके। बट यहाँ पर इस बोल्टेड को काट रखा है, क्योंकि हम कभी भी डायनेमिक लोडिंग के लिए बोल्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, डायनामिक लोडिंग के लिए हमेशा रिवेट कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको फैन में बताया, ओके। तो आप बोलोगे कि वहाँ पर तो बोल्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ओके, बोल्ट भी प्रोवाइड करते हैं, रिवेट भी प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो रिवेट आपका जो लीफ है, ये फैन है, इसकी ये लीफ है, यहाँ पर ये बिल्कुल डक्टाइल मटेरियल होगा, ओके, बिल्कुल इसकी थिकनेस कम रहती है, जो लीफ रहती है उसकी, ओके। तो जब ये पंखा, ये फैन आपका चलेगा यहाँ पर, ओके, तो ये जो आपकी लीफ है वो उसमें डायनामिक लोडिंग आएगी, इस तरीके से वो हिलेगा पंखा आपका, ओके, जो पंखुड़ी रहती है, जो लीफ रहती है वो हिलेगी, ओके, एयर के कारण, ओके। जब इसमें स्ट्रेस आएगी तभी तो नीचे नीचे हवा फेंकेगा आपका, एयर नीचे फेंकेगा, ओके, आपको हवा आती है जो, तो इसमें यहाँ पर डायनेमिक लोडिंग आएगी, बट यहाँ पर आपके जो बोल्ट लगे हुए रहते हैं यहाँ पर डायनेमिक लोडिंग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर फिक्स पार्ट आ जाता है, ओके, इस पंखे का फिक्स पार्ट आ जाता है, तो यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर होगी डायनेमिक लोडिंग, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, रिवेट प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा, जो भी इसमें स्ट्रेस आएगा बार 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 इस लीफ में, वो आपका इस रिवेट के ऊपर ही खत्म हो जाएगा, ओके, आगे बढ़ने नहीं देगी आपकी रिवेट, समझ गए ना, ये आपकी रिवेट लगेगी यहाँ पर, आगे जो तीन रिवेट लगती है, आपके जो स्ट्रेस आएगा डायनामिक स्ट्रेस वो यहीं पर ख़त्म कर देगा, आपका आगे बढ़ने नहीं देगा। और फिर हम क्या करते हैं, आगे तीनों या चारों लीफ्स में क्या प्रोवाइड कर देते हैं, बोल्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ओके। अब आप बोलोगे कि बोल्ट प्रोवाइड करते हैं क्यों, यहाँ पर भी लीफ प्रोवाइड कर देंगे, ओके। तो देखो आगे चलो, ओके, ये ध्यान रखना, बोल्टेड कभी प्रोवाइड नहीं करेंगे डायनामिक लोडिंग के लिए, डायनामिक लोडिंग के लिए हमेशा रिवेट प्रोवाइड करेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, बोल्टेड रिवेटेड एंड वेल्डेड कनेक्शंस आर प्रोवाइड फॉर द स्टैटिक लोडिंग कंडीशन, ओके। और उसकी एफिशिएंसी 100% लेके चलते हैं, कि आपने जो भी प्रोवाइड किया है स्टैटिक लोडिंग के लिए, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है,
ओके तो देखो यहाँ पर लिख रखा है स्टैटिक लोडिंग के लिए हम बोल्ट भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, रिवेट भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। स्टैटिक लोडिंग के लिए हमेशा वेल्डेड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे और उसकी एफिशिएंसी 100% रख के चलनी है कि आपकी जितनी भी लोडिंग आ जाए आपका जो स्ट्रक्चर है सॉरी जो आपकी कनेक्शन है वो 100% एफिशिएंसी उसकी ले लेगा। ओके बट स्ट्रक्चर कभी कभी फेल हो जाते हैं, एफिशिएंसी कम रह जाती है, तो लेकिन हम मान के चलते हैं कि एफिशिएंसी 100% है। ओके तो बोल्टेड भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, रिवेट भी प्रोवाइड नहीं करते हैं स्टैटिक लोडिंग के लिए। अब बात रह जाती है बोल्टेड की कि बोल्टेड कनेक्शन आप प्रोवाइड कहाँ करोगे। ओके देन नेक्स्ट पॉइंट है बोल्टेड कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड फॉर द मेंटेनेंस इज रिक्वायरमेंट। ओके जहाँ पर भी आपकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आप बोल्ट प्रोवाइड करोगे। अब देखो वापस फैन पे आ जाओ। ओके ये इस तरीके से लीफ है इसकी। ओके तो यहाँ पर आपकी रिवेट लगाते हैं, हम रिवेट क्यों लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर डायनामिक लोडिंग आएगी। ओके यहाँ पर रिवेट, यहाँ पर रिवेट और यहाँ पर रिवेट लगाते हैं। ओके और यहाँ पर हम बोल्ट लगाते हैं यहाँ पर। ओके तो आपका कभी फैन ख़राब हो गया तो उसको मेंटेनेंस के लिए आपको बाहर लेके जाना पड़ेगा, तो इनको क्या करेगा आप बोल्ट से लीफ को यहाँ से खोल करके ओनली इस पार्ट को आप मेंटेनेंस के लिए लेके जा सकते हो। ओके क्योंकि जो मशीन होती है वो इसी में होती है, मोटर इसी में होती है। ठीक है तो सारा काम हो गया, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो। अब देखो यहाँ पर देख लो तीनों के लिए आपको रिवेटेड कनेक्शन प्रोवाइड करने पड़ेंगे डायनामिक लोडिंग के लिए। ओके वेल्डेड कनेक्शन आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे स्टैटिक लोडिंग के लिए। ओके और बोल्टेड कनेक्शन आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे जहाँ पर आपकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होगी। ओके मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ओके आगे चलो ऑर्डिनरी वोल्ट। अब देखो थोड़ा बोल्ट को समझ लो, बोल्ट क्या होते हैं, किस तरीके से आपकी नॉमिनल डाया होती है। ओके पहले हर एक चीज़ की स्टडी कर लेते हैं, पहले कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है, फिर उसके बाद में कंसेप्ट की स्टडी करेंगे। ओके ये भी कंसेप्ट ही हैं वैसे तो, बट ये नॉर्मल कंसेप्ट में जो चीज़ें यूज़ आएंगी उनकी स्टडी कर रहे हैं अभी तो। ओके कनेक्शंस में यूज आएंगे। देखो ऑर्डिनरी बोल्ट के लिए कुछ देखो बातें, दीज बोल्ट्स आर प्रोवाइडेड फॉर लाइट लोड स्ट्रक्चर्स। ओके डिजाइंड एज दिस M5 to M36। ओके अब यहाँ पर जो एम है आप इसको मिक्स मत समझना, जो मैंने आपको RCC में बताया था। ओके यहाँ पर जो एम है देखो ये बोल्ट की ये ग्रेड है। ओके आप ये ग्रेड प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्स के लिए, लाइट लोड स्ट्रक्चर्स के लिए। अब यहाँ पर जो एम है वो क्या है, एम रिप्रेजेंट मेट्रिक यूनिट इन MM। ओके और जो इसके आगे रहेगा वो क्या रहता है, नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट। ओके अब नॉमिनल डाया क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ। अब देखो तीन चीज़ें आ गई, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको RCC में बताया था M20, M25 इस तरीके से सारे M30। ओके स्टील में मैंने आपको बताया था, अभी स्टील में क्या RCC में ही यूज़ आया था, जब RCC में सॉरी ओके स्टील भी बोल सकते हो इसको, स्टील में मैंने बताया था F250 इस तरीके से। ओके एंड अगेन ये किस में आ गया, स्टील में। ओके ये भी स्टील की बात है बट मैंने RCC में बताई थी मैंने बात आपको। ओके अब यहाँ पर ये आ गया बोल्ट के लिए M5 to M36 कुछ भी। ओके अब यहाँ पर देखो जो मैंने आपको ये बताया था इसका मतलब था M मतलब मिक्स। ओके ये 20 मतलब करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ओके जो भी आपने मटेरियल कास्ट किया उस मटेरियल को कास्ट करने के 28 डेज बाद उसकी जो उस करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी उस मटेरियल की, जो कॉन्क्रीट है उसकी उसकी जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो 20 हो जाएगी। ओके मिक्स की। ओके तो ये तो मिक्स है और 20 है जो मैंने आपने RCC में बताया था कॉन्क्रीट के लिए। ओके फिर मैंने बताया था Fe, तो Fe ये यूज आता है आपका स्टील के लिए। ओके और जो 25 रहता है ये 25 क्या रहता है, यील्ड स्ट्रेंथ। ओके यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। ओके अब बात करती है बोल्ट की, बोल्ट में जो एम रहता है वो रहता है मेट्रिक यूनिट इन MM। ओके और जो इसके आगे रहेगा वो रहेगा नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट। ठीक है क्लियर हो गई सारी चीज़ें, नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट। अब देखो नॉमिनल डाया क्या होता है, बोल्ट आपका इस तरीके से होगा। देखो ये कन्फ्यूज़न ये कभी भी मत रखना, आपका ये रहता है ना ये इसको तो हम बोलते हैं बोल्ट। ओके और जो इसके ऊपर आप लगाओगे, ओके इसके ऊपर आप कसोगे थ्रेड्स के ऊपर, ओके इस तरीके से जैसे ये इस तरीके से बोल्ट रहेगा तो वो बोल्ट नहीं रहता, ये रहता है नट। ओके हम इसको उल्टा बोलते हैं, हम क्या करते हैं बोल्ट, हम इसको बोल जो इस थ्रेड के ऊपर हम लगाएंगे गोल गोल उसको हम बोलते हैं बोल्ट।
बट वो बोल्ट नहीं होता, वो होता है नट, ओके, और बोल्ट होता है ये वाला पार्ट, बोल्ट होता है, ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। तो जहाँ पर आपकी थ्रेड्स नहीं रहेंगी, देखो थ्रेड्स यहाँ तक रहेंगी, थ्रेड्स इसके आगे थ्रेड नहीं रहेंगी कभी भी, ओके। आप देखो, अगर आप एनालाइज करो तो यहाँ पर एनालिसिस का पार्ट है थोड़ा, ओके, थोड़ा इमेजिन करो क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप कहीं पर भी बाहर जाओ, ये बोल्ट खरीदो वहाँ से। मैंने आपको फ़ैन का एग्जांपल दिया, फ़ैन देख लो अच्छे तरीके से तो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ओके। इमेजिन करोगे, एनालाइज करोगे तो अच्छा समझ आएगा, ओके। तो जहाँ पर थ्रेड खत्म होता है उसके आगे का जो पार्ट रहेगा, उस पार्ट की जो डाया रहेगी, उस डाया को बोलते हैं शेंक या फिर नॉमिनल डाया, ओके। और जो थ्रेड रहता है उस पार्ट को क्या बोलेंगे, नेट, ओके, नेट डाया बोलेंगे उसको। तो इसके लिए अगर थ्रेड पार्ट के लिए आप एरिया निकालोगे तो ए नेट निकलेगा, मतलब नेट एरिया, ओके। और जो इस शेंक वाले पार्ट के लिए आप, या फिर नॉमिनल डाया के लिए जो एरिया निकालोगे वो क्या निकलेगा आपका, ए एस, ओके। तो इसके लिए पाई बाई 4d² सिंपल कर देंगे, क्योंकि इसके डाया मान लेते हैं डी है, ओके। तो जो नेट डाया होगी, थ्रेड की डाया होगी, वो निकालने के लिए आपको जो आपके शेंक का एरिया आएगा, सॉरी, जो नेट एरिया निकाल लेंगे, वो नेट एरिया आपका सेंक एरिया का 0.78 टाइम्स होगा। समझ आ गई? ये तो होता है शेंक डाया, और ये होगा आपका नेट डाया, ओके। तो शेंक डाया के लिए शेंक एरिया निकलेगा, और नेट डाया के लिए नेट एरिया निकलेगा। तो आप पहले शेंक एरिया निकाल लेना सिंपल, जो हम निकालते हैं पाई बाई 4d² से। डी क्या है? शेंक डाया, ओके। इस पोर्शन की डायमीटर है डी, ओके। अब आपको नेट एरिया निकालना है जो थ्रेड पार्ट है उसका, तो आपके जो शेंक एरिया निकला उसको 0.78 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ए नेट आ जाएगा, ओके। समझ गए? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो आपके ग्रेड अगर 4.6 है, ओके, जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आपके ग्रेड 4.6 है तो उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी, ओके, बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी वो 400 kN/mm² है अगर, ओके। तो अगर आपको उसकी यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। 0.6 कहाँ से आया? ये पॉइंट 4.6 है ना, देखो 4.6 है, तो पॉइंट के पहले वाले पार्ट को जीरो कर दो और बाकी ऐसे कैसे रहने दो, 0.6 हो गया, तो 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। अगर आपका आपका 8.1 होता तो आप किससे मल्टीप्लाई करते, 0.1 से, क्योंकि पॉइंट के वैल्यू का पार्ट जीरो कर दो और बाकी ऐसे कैसे लिख दो, 0.1 से। जैसे देखो ग्रेड 8.8 की बात करें अगर, ओके, तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी इसकी बोल्ट की वो कितनी होगी, 800 Nm², ओके। और अगर आपको ईल्ड स्ट्रेंथ इसकी निकालनी है, ईल्ड बोल्ट की ईल्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो पॉइंट के वैल्यू के पार्ट को जीरो कर दो, तो 8.8 है, ओके, तो पॉइंट के पहले का जीरो कर दो, 0.8 हो जाएगा, ओके, 64 आ जाएगी। और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहेगी, वो आपको ऐसे भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि पॉइंट के पहले जो पार्ट रहेगा उसके आगे दो जीरो लगा देंगे, वो जैसे 4 है तो 400, 8 है तो 800। ये थोड़ी सी ट्रिक्स है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा जब काम आएगी अच्छे तरीके से, अभी नॉर्मल चल रहा है। अब बात आती है फोर्स ट्रांसमिशन की, कि आप अलग अलग तरीके से प्लेट में बोल्ट प्रोवाइड कर दोगे, तो उसमें जो फोर्स ट्रांसमिशन होगा बोल्ट्स के ऊपर वो किस तरीके से होगा, ओके। इनको भी थोड़ा एनालाइज करना, थोड़ा समझना, ओके। देखो इस तरीके से ये बोल्ट है आपका, ओके, ये एक प्लेट है, ओके, ये दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर यहाँ पर ये बोल्ट प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ से ये बोल्ट है, ओके, ये यहाँ पर आपने इसके ऊपर नट लगा दिया, ठीक है, ये बोल्ट हो गया। इसको अगर टॉप से, अभी देखो यहाँ से एक दिख रहा है ना, ये एक है नहीं, इसको अगर टॉप से देखोगे तो टॉप से ऐसे दिखेगा ये, ये प्लेट तो ये वाली प्लेट हो गई, ओके। और इसके ऊपर आपने दूसरी प्लेट लगा रखी है ये वाली, ओके, तो ये वाली प्लेट होगी। अब इसके ऊपर जो बोल्ट लगे हुए हैं आपके, जो ये बोल्ट लगा हुआ है, ये बोल्ट साइड से देख रहे हो इसलिए एक दिख रहा है, क्योंकि ये एक इसके पीछे चले गया। अगर इसको टॉप से देखोगे तो एक बोल्ट यहाँ पर है और एक बोल्ट यहाँ पर है, जैसे ये देखो ये दिखा रहा है, एक बोल्ट ये रहा और एक बोल्ट ये रहा, ओके। और इसमें यहाँ पर लोड रखा है पी, यहाँ पर लोड लगा रखा है पी, तो आप यहाँ पर लोड लगा दो पी, यहाँ पर लोड लगा दो पी, इस तरीके से ये लोड लगा होता है। इसमें जो फोर्स ट्रांसमिशन होगा वो किस तरीके से होगा, 2 वोल्ट है तो इसमें हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा पी का, ओके। तो देखो इसके लिए अगर बात करें, इसको अब यहाँ पर करो से काट लो इसको, ये फोर और फोर्स ट्रांसमिशन यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर मिड पार्ट में लगेगा, ओके। तो मिड पार्ट को आपने यहाँ से काटा, ओके, और यहाँ पर देखा इसको खींचोगे तो P/2 यहाँ लगेगा, क्योंकि P/2 एक ये ले लेगा P/2 और P/2 ये ले लेगा, ओके। तो एक बोल्ट की बात कर रहे हैं हम, तो P/2 ये रह गया, P/2 ये रह गया, ओके। इसको यहाँ पर खींच रहे हो तो P/2 यहाँ लग जाएगा, ओके। ये नीचे वाले पार्ट को P यहाँ लग रहा है,
तो अलग अलग बढ़ जाएगा इसमें, तो पी बाई टू ये हो जाएगा ओके। और मिड वाले पार्ट में आपका नेट जीरो रहेगा क्योंकि पी वाई टू इधर लग रहा है, पी वाई टू इधर लग रहा है, तो पी वाई टू आप इधर लगा दो, पी वाई टू इधर लगा दो, नेट जीरो हो गया ओके। थोड़ा सा एनालाइज करो, नॉर्मल एनालिसिस से समझ सकते हो। देखो मिड में पी वाई टू जीरो हो जाएगा और पी वाई टू यहाँ लगेगा, पी वाई टू यहाँ लगेगा, हाँ लगेगा तो पी, लेकिन दो बोल्ट लगे हुए ना, एक बोल्ट ये रहा एक बोल्ट ये रहा, इसलिए पी बाई टू डिवाइड हो जाएगा ओके। अदो जी उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ रहेगी, डिजाइन स्ट्रेंथ आप कैसे निकालोगे, डिजाइन स्ट्रेंथ आप निकालोगे क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय द परमिसिबल स्ट्रेस ओके। और परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है, मैंने आपको बता रखा है, अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए आप क्या करोगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन 1.25 नॉर्मल परमिसिबल स्ट्रेस। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने समझाया था अच्छे तरीके से लास्ट में, प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में ये चीज़ आई थी जो मैंने समझाया था। और अगर शेयर के लिए बात करो तो आपको रूट थ्री से और डिवाइड कर देना है इसको। अब ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी, मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, आप देख लो एक बार, लास्ट में बताया था ये चीज़ें ओके। क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय द परमिसिबल स्ट्रेस, क्रॉस सेक्शन एरिया किसने कहा, वन मल्टीप्लाइड बाय वन बोल्ट, बोल्ट वन है क्योंकि वन बोल्ट की बात कर रहे हैं, पर अगर दो बोल्ट की बात करेंगे तो दो से मल्टीप्लाई कर देना ओके। ए नेट, नेट एरिया पहले थोड़ा सा समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद में एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बताऊंगा, वो जनरलाइज्ड याद कर लेना ओके, पहले समझ के और फिर लास्ट में बताऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से थोड़ा याद रहेगा ओके। परमिसिबल स्ट्रेस क्या रहेगा, अब देखो परमिसिबल स्ट्रेस यहाँ पर नॉर्मल नहीं ले रहे हैं, शियर लेने, इसलिए रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके बोल्टिंग में जो भी स्ट्रेस आएगा वो शियर स्ट्रेस ही आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा ओके, क्योंकि वो दो प्लेट्स के बीच में रहेगा तो उसके ऊपर शियर फोर्स लगेगा ओके। एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट अगर आपको निकालना है तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय द परमिसिबल स्ट्रेस, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है वन मल्टीप्लाई बाय ए नेट ओके, और परमिसिबल स्ट्रेस कितनी है दिस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया ओके। थोड़ा समझना इसको ओके, समझ के याद करो, बाकी एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आएगा ओके। अब मान लो अगर आपकी इस तरीके से प्लेट है, टॉप साइड व्यू इस तरीके से रहेगा, अगर आप टॉप से देखोगे तो टॉप से किस तरीके से रहेगा, ये एक प्लेट ये लगी हुई है ओके, सॉरी आपने एक नीचे ये प्लेट लगा दी ठीक है, आपने ये नीचे एक प्लेट लगा दी, उसके ऊपर फिर आपने एक प्लेट ये यहाँ पर लगा दिए और आपने एक प्लेट यहाँ पर लगा दी, और फिर आपने क्या किया इसके ऊपर वापस से एक प्लेट लगा दी ओके टॉप पे समझ गए ना, पहले नीचे प्लेट लगाई उसके ऊपर एक ये प्लेट लगाई, फिर ये प्लेट लगाई, फिर टॉप के ऊपर एक ये प्लेट लगाई ओके। उसके बाद में आपने एक बोल्ट यहाँ लगा दिया, एक बोल्ट यहाँ लगा दिया, एक बोल्ट यहाँ लगा दिया, एक बोल्ट यहाँ लगा दिया। अगर आप इसको साइड से देखोगे तो आपको एक तो ये बोल्ट दिखेगा, एक ये बोल्ट दिखेगा, ये पीछे वाले तो इसके पीछे रह जाएंगे ओके, इसके पीछे एक एक बोल्ट और है, तो साइड से देखोगे तो इस तरीके से ये दिखेगा। इसमें जो फोर्स का ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से होगा, अब देखो इसमें भी आपका पी बाई टू डिवाइड हो जाएगा ओके ओके, पी बाई टू डिवाइड होगा क्योंकि दो बोल्ट है। अब देखो है ना, अब देखो ये बोल्ट है, इसमें पी बाई टू डिवाइड हो गया ठीक है, एक बोल्ट इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, पी बाई टू इसमें हो गया, पी बाई टू इसमें हो गया। अब जो इस बोल्ट में आ रहा है इसमें जो आ रहा है और इसमें जो आएगा वो पी बाई टू आएगा, बट इसमें और इसमें आपका पी बाई टू का किस किस पार्ट में डिवाइड होगा ये पता नहीं है अपने को, हाँ इस बोल्ट में और इस बोल्ट में तो पी बाई टू हो जाएगा, लेकिन पी बाई टू का इसमें और इसमें कितना होगा, क्योंकि पी बाई फोर तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें इस वाले बोल्ट में कितना आएगा, इस वाले बोल्ट में कितना आएगा ये अपने को पता नहीं है, क्योंकि कनेक्शन यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, तो हम क्या करेंगे पी डैश एंड पी डबल डैश ले लेंगे ओके। अब कितना भी आए हमको क्या मतलब है, हमने देखिए क्वेश्चन ले ली कि पी डेस इसमें लगेगा और पी डबल डेस इसमें लगेगा, दोनों का जो समीशन होगा वो कितना होगा पी बाई टू ओके। ओके अब आप एक बोल्ट ले लो, यहाँ से मान लेते इस बोल्ट की बात कर रहे हैं तो इस बोल्ट को ले लो, अब आप दो जगह पर आपको फोर्स पर पता लगा करना पड़ेगा, एक तो इस पार्ट के ऊपर और एक इस पार्ट के ऊपर, दो पार्ट के ऊपर आपको पता करना पड़ेगा, तो आपने एक पार्ट यहाँ से काट दिया, एक पार्ट यहाँ से काट दिया ओके। मान लेते कि यहाँ पर पी डैश लग रहा है, दिख रहा नहीं आई थिंक ओके मान लेते यहाँ पर पी डैश लग रहा है ओके, और यहाँ पर पी डबल डैश लग रहा है सॉरी ठीक है, तो यहाँ पर देखो पी डबल डैश लगा दिया आपने
और यहाँ पर पी डेस लगा दिया, और जो समझने के लिए इसको थोड़ा समझो, जब भी समझ आएगा ओके, नहीं तो समझ नहीं आएगा ही, ठीक है। अगेन आ जाओ, डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, डिजाइन स्ट्रेंथ इज द क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय द परमिसिबल स्ट्रेस। अब यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया दो तरीके से आएगा ओके। एक बोल्ट की बात करें तो एक बोल्ट के लिए तो आपका ए नेट ओके, ये ए नेट मतलब थ्रेड के पार्ट वाला ओके, और दूसरा आएगा जो आपका ए एस है, क्योंकि ये शंक वाला पार्ट है, थ्रेड यहीं खत्म हो गई ओके। तो वन टाइम्स ये, तो एक ये और वन टाइम्स ये, दोनों का समीशन कर दोगे आप ओके। बाकी चीज़ वही सेम रहेगी, परमिसिबल स्ट्रेस वही सेम रहेगा। अगर आपको डिजाइन स्ट्रेंथ हो तो बोल्टिंग आननी है, तो ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय द स्ट्रेस मल्टीप्लाई कर दोनों की जगह। अब देखो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला देख लो जो इन दोनों से आकर फाइंड आउट हुआ है। देखो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैसे निकालोगे, ए एन मल्टीप्लाइड बाय द ए नेट, यही कर रहे हैं ओके। शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैसे निकालोगे, ए एन मल्टीप्लाइड बाय द ए नेट प्लस ए एस मल्टीप्लाइड बाय द ओ सॉरी, ये तो आप एरिया निकालोगे ओके। अगर कहीं पर आपका ये पार्ट ए नेट आप ए सेंक एरिया आपका नहीं है, जैसे अभी जो फर्स्ट केस मैंने बताया था आपको ट्रांसमिशन फोर्स नंबर फर्स्ट, उसमें आपका ये वाला पार्ट था ही नहीं सेंक वाला, क्योंकि जो भी हो रहा था ए नेट में रहा, तो इसको लेकर के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों पार्ट कवर हो रहे हैं तो दोनों पार्ट ले लेंगे ओके। जनरलाइज फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, जो चीज़ें इसमें हैं उसको कंसिडर करना, जो चीज़ नहीं है उसको नेगलेक्ट कर देना। और ये फेलियर ऑफ द बोल्ट के टाइम पर आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड ये शेयर के लिए लेते हैं, इसलिए रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था यहाँ पर। अब यहाँ पर एन एन और एन एस क्या है ये थोड़ा सा देख लो, नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं ये, नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन या फिर बोल्ट शेयरिंग प्लेन सॉरी ओके, नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन ऑफ द नेट एरिया ए एन की बात होती है, और एस की बात होगी नंबर ऑफ द शेयरिंग प्लेन ऑफ द शेंक एरिया। ओके ओके यहाँ तक समझो थोड़ा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो रही है ओके। थोड़ा एनालाइज करके समझो, नहीं तो अभी एक साथ सारा कुछ बता दूंगा तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, तो उससे भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।